पेंशन बहाली को लेकर हट्टा संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। हट्टा पुरानी पेंशन बहाली संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार नीतू बागरी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के पूरे भारत वर्ष में पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया है एवं नवीन पेंशन योजना को लागू किया गया है, इसमें किसी प्रकार की स्थिरता नहीं है। संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग की गई है कि नवीन पेंशन को शीघ्र अति शीघ्र बंद किया जावे एवं पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में पुरानी पेंशन बहाली संगठन के जिला अध्यक्ष उमाकांत गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष अजीत कस्तौर, अजेंद्र सिंह राजपूत, जितेंद्र सिंह राजपूत, अमृतलाल लहरवार, श्याम सुंदर प्यासी, राघवेंद्र तंदुआ, माधव पटेल, प्रमोद श्रीवास्तव, मुकेश चौबे, जितेंद्र प्यासी, अफजल खान, लिपिक राजकुमार बिदौलिया, अशोक बिदौलिया, तेजी लाल, विजय चौरसिया, कृपाल सिंह राजपूत आदि की उपस्थिति रही। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा हथरस घटना को लेकर राष्ट्रपति महोदय के नाम एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। हटा हथरस में हुई घटना को लेकर आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार नीतू बागरी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया कि 14 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हथरस में दलित समाज की लड़की के साथ आगड़ी जाति के 4 आरोपियों ने बलात्कार कर हाथ पैर तोड़े जिभा काटी, जिसकी चिकित्सा के दौरान मौत हो गई। पुलिस द्वारा अभिरक्षा में ही रात में लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया गया। सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में वीरेंद्र, अशोक, सुरेश, रजनीश, भारती, शैलेंद्र, विनोद, राजू, सनकत सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। खबर हटाकी के लिए दीपक पटेल की ये रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा हटाकी खबर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।